ओके तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ एक न्यू वीडियो पे। तो आज के इस वाले वीडियो पे, ओ भाई क्रिएटिव पे हूँ, भूल ही गया था। तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं कोई भी सर्वाइवल सीरीज या कुछ और नहीं खेलने वाला हूँ। मैं आप लोग को एक मैप का डाउनलोड लिंक देने वाला हूँ जो कि खुद मैंने बनाया था, जो कि ये पार्कोर मेरे नाम पे ही हो गया, क्योंकि मैं पूरा मैंने बनाया था, पूरा 8 घंटों बैठ के बनाया था। मैं पूरे 30 लेवल है, तो देख सकते हो भाई। अबे यार मेरे को इतना अच्छा आता नहीं, ये उड़ भी रहा है कि नहीं, मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है पार्कोर खेलना, बट फिर भी मैं लाइव पे भी खेलने का ट्राई करूँगा। ये मैप आप लोग को डाउनलोड लिंक चाहिए वो तो कैसे मिलेगा वो मैं आप लोग को बीच पे बताऊँगा, अभी नहीं बताने वाला। ये खेलते जाऊँगा ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोग को मैं उड़ते हुए दिखा दूँगा यहाँ तक आने के बाद। ये देख सकते हो, अब तक आने के बाद यहाँ से लैडर से जाना पड़ता है कुछ ऐसे घूमते हुए, जो मेरे को बिल्कुल, अरे मैं चला गया था ना, ये मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए मैं थोड़ा इजी रख दिया हूँ आप लोग को भी। तो क्योंकि उम्र में यहाँ तक आ गया फर्स्ट टाइम। अबे यार, तो ये ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से डायरेक्ट चढ़ जाता है, आई थिंक हाँ यहाँ से डायरेक्ट चढ़ जाता है। तो अपना लेवल 2 पे आ चुके हैं, ये होगा अपना चेक पॉइंट, वैसे का छोड़ो, ये चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है, आप देख सकते हो नेम आ रहा है ना चेक पॉइंट के क्या। एंड यहाँ पर एक हिंट आप लोग को मिल जाएगा, लुक अप डाउन, मतलब यहाँ पर पहले चेक पॉइंट ले लो। एंड ये होगा एक जिप लाइन जो कि आप लोग को क्रॉस करना पड़ेगा कुछ ऊपर देखते हुए। नीचे देखोगे तो या ये फेंस के अलावा किसी और साइड थोड़ा सा भी अपना एम चला जाएगा ना, तो डायरेक्ट नीचे गिर जाओगे। तो कुछ ऐसा सीन है भाई, ये है लेवल 2 पे देना नहीं चाहिए था, बट मैं शॉर्टेज पे बना दिया था, उसके बाद याद आया था मेरे को। तो कुछ ऐसे आप लोग रुक भी सकते हो यहाँ, जहाँ से ऐसे घूमना वगैरह करके। मैं आ गया हूँ लेवल 3 पे, एंड यहाँ पर एक चेक पॉइंट मिलेगा, एंड भाई मैं डबल जंप जब आया तो ये हो जाता है। एंड यहाँ से आप लोग को जाना पड़ेगा कुछ ऊपर ऐसे, एंड यहाँ से फिर से एक और बार। ये पूरा एडवेंचर मोड पे खेलना, आप लोग कोई भी चीटिंग वगैरह मत करना, चीटिंग करेंगे तो ना कोई सेंस ही नहीं बनता खेलने का। तो मैं आप लोग के दिखाने के लिए सिर्फ क्रिएटिव पे हूँ, वरना तो मैं भी सर्वाइवल पे ही होता तो मैं भी क्रिएटिव पे नहीं खेलता। इसका मैं लाइव पे खेलूँ या कोई वीडियो डालूँ खेलते हुए, आप लोग बताना, डालोगे बोलोगे तो मैं डालूँगा, वरना नहीं लाइव पे खेलने करते करते यहाँ से चले जा सकते, इसलिए मैंने अपर फेंस से कवर कर दिया हूँ। आप लोग को जाना पड़ेगा कुछ ऐसे कूद के, तो कुछ ऐसा कूदते हुए जाना होगा। एंड यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा अपना फोर्थ चेक पॉइंट, वहाँ पर थर्ड चेक पॉइंट था, हाँ वो देखो वो थर्ड चेक पॉइंट है। एंड ये होगा अपना फोर्थ चेक पॉइंट, एंड ये कुछ ऐसा है भाई, बहुत ज़्यादा टफ है। मैं पहले ही दिखा दिया हूँ आप लोग को कि दिखाता हूँ उनको, जो कि है ये मैप का नेम ही देख ले, मैप का नेम नहीं है बट फिर भी मैं यहाँ पर पहले ही बता दिया हूँ कि यहाँ पर वेरी डिफ़िकल्ट मैप, इसीलिए स्टार्टिंग लेवल से इतने डिफ़िकल्ट से दिख रहा है आप लोग को, जो कि जिप लाइन का हो गया। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर फेंस वगैरह का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा रिपीटिंग भी हो सकते है कहीं कहीं पर ऐसा जंप करते हुए, बट एक अब यार नॉर्मली जब खेलाता था तब ईजीली गया था भाई, जब वीडियो बनाता हूँ तब जाने ही नहीं देता। ये देखो जंप ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, जब वीडियो बनाता हूँ तब बिल्कुल भी नहीं होता भाई ऐसे खेलना, पता नहीं क्यों ऐसा जंप करता हूँ। एक मैं ये सब मैं नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एक चेक पॉइंट मिल जाएगा लेवल 5 का, यहाँ से थोड़ा जिगजैग करते हुए ऊपर जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आएगा मेन चीज़ जो कि है फायर, यहाँ पर दोनों साइड फायर होगा। एंड भाई यहाँ पर फेंस रखना ना तो और मज़ा आता था, बट इतना भी डिफिकल्ट हो जाता था। तो यहाँ से जाना होगा एंड इसे चलते हुए बिना फायर को टच हुए तो यहाँ पर जंप करना होगा आप लोग को। एंड यहाँ पर चेक पॉइंट मिल जाएगा, एंड सेम वैसा ही यहाँ से ऊपर जाना होगा घूमते फिरते। ऊपर आ जाने के बाद एक और चेक पॉइंट मिल जाएगा, तो इधर गया, हाँ ये देखो 9 चेक पॉइंट। एंड यहाँ से कुछ ऐसे कूदते पूरा ऊपर आ जाओ, एंड यहाँ पर आप 8 चेक पॉइंट पर आ जाओगे। एंड यहाँ से नीचे स्लाइम ब्लॉक जो दिख रहा है ना उसके ऊपर डबल जंप करना है, तो यहाँ से ऐसे कुछ करते हुए यहाँ से ऊपर आ जाना होगा। एंड यहाँ से देख सकते, अबे यार ये मैं भी ना एक क्रिएटिव के चक्कर पे टूट जाते रहते सब कुछ, बट ऑलरेडी मैंने इसका क्या बोलते हैं, ऑलरेडी मैंने इसका डाउनलोड लिंक एक जगह सेव करके रख चुका है, तो टूटेंगे तो भी अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले मैं लगा देता हूँ भाई, ओके तो यहाँ से पूरे यहाँ पर कॉबवेब से यहाँ से आप लोग चीटिंग नहीं कर सकते, ऐसे फंस जाओगे एंड नीचे भी नहीं जा पाओगे, जा सकते चलो।
तो फिर भी अब लोग चीटिंग मत करना, नीचे के तोड़ दिया ना चाहिए था, बट वो सब छोड़ो। तो यहाँ से ऐसे चले जाना होगा, एंड यहाँ से जाने के बाद आप लोग को एक और चेक पॉइंट मिल जाएगा 9th का, एंड फिर से यहाँ पर दो दो ब्लॉक का गैप का है, कहीं कहीं पर एक ब्लॉक का होगा, कहीं कहीं पर दो ब्लॉक का होगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है। एंड यहाँ पर आप लोग फाइनली 10 लेवल पे हो जाओगे, आप लोग को पूरे 30 लेवल्स होंगे जो कि वहाँ पर वो दिख रहे ना, सबसे लास्ट वाला है, सब घूमते हुए आप लोग को वहाँ से जाते हुए यहाँ तक जाना होगा, एंड वहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, वो 29th लेवल है, 30th लेवल थोड़ा सीक्रेट है, आप लोग को नहीं दिखेगा, ये थोड़ा इजीली बना दिया हूँ मैं। तो यहाँ पर 11th लेवल आने के बाद यहाँ पर आप लोग को थोड़ा ट्विस्ट होगा, ये सब कुछ मैं रिवील नहीं करना चाहता। एंड यहाँ से आने के बाद यहाँ पर एक चेक पॉइंट मिल जाएगा, एंड यहाँ से सब पार करते हुए जाने के बाद यहाँ पर एक और आपको चेक पॉइंट मिल जाएगा, एंड यहाँ से आप लोग को कुछ ऐसा स्लाइम्स, अबे यार मैं सोच रहा कुछ सेकंड स्लाइम ही फर्स्ट स्लाइम है, तो यहाँ से ऐसा कुछ स्लाइम पे जंप करते हुए आपको कुछ ऐसे स्लाइम पे जंप करते हुए हुए यहाँ तक आना होगा, जो कि थोड़ा वो डिफिकल्ट हो सकता है 14th लेवल पे आ गए। एंड यहाँ पर ग्लास का जिगजैग है, ग्लास से जिगजैग करते हुए यहाँ तक आ जाना होगा, एंड यहाँ पर ग्लास के अंदर से होते हुए यहाँ तक आ जाना होगा आप लोग को 16th लेवल के अंदर, 16th लेवल तक। एंड यहाँ पर भी सेम ट्विस्ट है, एंड उसके बाद यहाँ से कारपेट्स के ऊपर से ऐसे जिगजैग करते हुए, अबे कारपेट से ऊपर से जिगजैग करते हुए आना होगा, इसके अंदर फंस गए मतलब डायरेक्ट जाओगे नीचे की ओर। तो मैं पूरा यहाँ का नीचे ग्राउंड को क्लियर नहीं कर पाया, वहाँ पर स्टार्टिंग थोड़ा क्लियर कर पाया, क्लियर कर दिया, क्योंकि वहाँ से नीचे गिरोगे तो मरोगे नहीं, नहीं मरोगे तो यहाँ पर पूरा एक्सप्लोर करते बैठे होगे ना, तो मज़ा नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा वहाँ का क्लियर कर दिया, जहाँ से आप लोग नहीं मरोगे मतलब जहाँ से आप लोग गिरोगे तो मर जाओगे ना, वहाँ से मैंने क्लियर करना ही छोड़ दिया। तो यहाँ से आने के बाद 18th लेवल पे आ जाओगे, एंड यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ से आप लोग को वॉल्स के ऊपर से जंप करते हुए, अब तक फेंस एंड ग्लास के ऊपर से किया था, एंड यहाँ पर वॉल्स के ऊपर से ग्लास के ऊपर से बे जंप ही नहीं हुआ, एंड ऊपर चलना उसके साथ तो साथ फेंस के ऊपर से भी जंप करते हुए जाना होगा। एंड यहाँ तक जाने के बाद वहाँ पर सोल सैंड दिख रहा है ना, इसके ऊपर से जंप करते हुए बीच लावा पे नहीं गिरते हुए ऐसे जाना होगा, कभी आप लोग को आग लग गया होता है पैर आके बुझा भी सकते होता है कि आप लोग ना मरो, क्योंकि इसके अंदर मैंने फूड वगैरह कुछ नहीं दिया, क्योंकि फूड दे के भी कुछ यूज़ होगा नहीं, क्योंकि इजीली मरते रहोगे ना, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा, मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा तो नहीं होगा कि जो एक भी बार बिना मरे यहाँ तक खा जाएगा एंड ऐसा कर पाएगा एंड डायरेक्ट लास्ट लेवल तक जा पाएगा, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बार कोई भी होगा, तो इसीलिए मैं कुछ दिया नहीं। एंड यहाँ से ग्लास से ऊपर चलते हुए, इसके ऊपर कोई सिर्फ ओनली जिगजैग है, इसके अंदर कोई भी टूट मतलब ग्लास बीच में ना रहे ऐसा कुछ सीन नहीं है, ओनली जिगजैग है। तो यहाँ से ऊपर चलते हुए एंड यहाँ से एक जंप, एंड यहाँ पर आने के बाद आप लोग को जाना होगा डायरेक्ट इस पानी के अंदर, तो उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जंप करना, अबे चढ़ जा, ओके यहाँ पर आप लोग को चेक पॉइंट मिल जाएगा, एंड इसके बाद होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो या इजी भी, वैसे जिगजैग करते हुए आप लोग को, अब तक लैडर से जिगजैग कर रहे थे वैसे ही अब नॉर्मली भी जिगजैग करते हुए ही आप लोग को ऊपर जाना होगा, भाई पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा मैं, तो ऐसे जिगजैग करते हुए आप लोग को ऊपर जाना होगा। तो पूरा ऊपर आने के बाद यहाँ से आप लोग को थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, यहाँ पर एक चेक पॉइंट सेट कर लो, एंड उसके बाद यहाँ पर कूद जाओ, कूदने के बाद यहाँ पर कैंप फायर होगा एंड बीच में मैगमा ब्लॉक, जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ से, लेट हो गए ना तो मर जाओगे, जल्दी 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 ऐसे जंप करते हुए दो दो ब्लॉक जंप करो, तीन तीन ब्लॉक जंप करो आपकी मर्जी, एंड यहाँ से यहाँ पर आ जाओ, चेक पॉइंट मिल जाएगा आप लोग को, एंड यहाँ से आप लोग को इसके अंदर कूदना होगा डायरेक्ट। एंड मैं बता देता हूँ कि आपको ये डाउनलोड लिंक कैसे मिलेगा, आपको डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा एंड कमेंट सेक्शन में भी नहीं होगा, तो इसका डाउनलोड लिंक होगा मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, अनाउंसमेंट करके एक चैनल होगा उसके अंदर आप लोग को मिलेगा, आप लोग को डाउनलोड लिंक चाहिए हो तो मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा, अभी उसी बात है, तो आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डिस्कॉर्ड सर्वर का, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लो, एंड चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, इतना मुश्किल से इतना बड़ा मैप बनाया आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई। एंड यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आ जाना होगा, तो आप लोग यहाँ से नीचे कूद जाओगे तो डायरेक्ट ऑब्वियसली बात है भाई मर ही जाओगे, एंड आप लोग यहाँ से
थोड़ा ऊपर जाके इसके अंदर पानी के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर इनविजिबल ब्लॉक मैंने लगाया हुआ है चारों तरफ, इसीलिए पानी ऐसे स्टील ऊपर जा रहा है। तो ऐसे जाने को आप लोग यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो आगे जाने का, नहीं जा पाओगे भाई। एंड यहाँ पर आने के बाद फिर से सेम इसके अंदर आके कूदना पड़ेगा आप लोग को। एंड इस बार थोड़ा प्लेटफॉर्म बढ़ा रखा हूँ मैं, तो उसके बाद सेम चीज़ ऐसे ही ऊपर चले जाना होगा आप लोग को एंड यहाँ तक आ जाओ। एंड इसके बाद पूरे डायमंड ब्लॉक चाहिए कि भाई आप लोग को डायमंड डोर, तो इसके ऊपर से ऐसे फेंस से जिगजैग फेंस करते हुए आप लोग डायरेक्ट आओगे ना तो यहाँ पर दो ब्लॉक नहीं कूद पाओगे, इसीलिए फेंस से ही जा पॉसिबल है। तो यहाँ पर आने के बाद अबे जंप ही नहीं हुआ, जंप नहीं बूस्ट नहीं हुआ मेरा, आई मीन स्प्रिंट। यहाँ से आने के बाद ऐसे लैडर से चढ़ते हुए, चलो लैडर से चढ़ते हुए यहाँ पर एमराल्ड ब्लॉक पे जंप्स लगाते हुए आप लोग को जाना होगा। तो ये सब करने के बाद यहाँ पर एक और चेक पॉइंट आ जाएगा एंड यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, जैसे कि वहाँ पर जो कि वो देख सकते हो वहाँ पर मैंने जहाँ पर एम कर रहा हूँ ना वहाँ पर पिलर है, वहाँ पर ब्लॉक्स जैसे जिगजैग टाइप ऊपर जा रहे थे वैसे ही अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं वॉल्स, वॉल्स के ऊपर से ऐसे जिगजैग करते हुए आप लोग को पूरा ऊपर जाना होगा। इतना ऊपर आने के बाद यहाँ से आने के बाद इसके ऊपर जाना होगा एंड यहाँ से इस ये वाला जो वॉल है ना इसके ऊपर कूदो एंड वहाँ से यहाँ से आने के बाद फिर से यहाँ पर अब तक फेंस पे जैसे आ रहे थे जिगजैग करते हुए वैसे ये सब आना पड़ेगा देख सकते हो। एंड यहाँ से डायरेक्ट वहाँ कूद नहीं पाओगे आप लोग, यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट किया हूँ क्योंकि यह लॉस्ट लेवल से आ चुके हैं वैसे स्लाइम ब्लॉक के कूदना, अरे कूदा ही नहीं मेरा, तो हम स्लाइम ब्लॉक पे कूद लेते हैं। तो स्लाइम ब्लॉक पे कूदना पड़ेगा फर्स्ट, उसके बाद इसके ऊपर लैंड करना पड़ेगा एंड फिर से यहाँ पर लैंड करके यहाँ पर जाना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस टाइप, अबे कूदता नहीं है भाई मेरा, पता नहीं क्यों जब वीडियो बनाता हूँ तब बिल्कुल भी नहीं कूदता। तो ये देखो, तो यहाँ से आप लोग को ये सारे से जाते हुए ऐसे यहाँ पर आप रुक गए ना तो अभी कोई दिक्कत बात नहीं है, यहाँ पर रुक गए तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं ध्यान नहीं दिया था, मैं ऐसे रुकना नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट स्पीड पे ही जाओ, रुक गए तो कोई सीन ही नहीं बनता। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से यहाँ पर आ गए तो लॉस्ट लेवल 30th लेवल होगा अंदर। तो यहाँ से आने के बाद तो यहाँ पर दी एंड कह लिखा हुआ है एंड यहाँ पर पूरा ये एंड सिटी के ब्लॉक से भर गया हुआ है एंड आप लोग को ये देख सकते हो यहाँ से आए हैं हम ये सब पार करते हुए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ, चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर आप लोग को अंदर मिलेगा एक एंड पोर्टल, तो इसके अंदर कूद जाओ आप लोग एंड यहाँ पर होगा लॉस्ट लेवल। तो कोई इस साइड से ना चला जाए, यहाँ पर नीचे ब्लॉक से सब मैं खाली नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसीलिए, तो ऐसे कूद के कोई ना आ जाए तो यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लॉक है बट कूदेगा क्या कर लगवा ये ब्लॉक से, तो कोई इस साइड से ऊपर ना चला जाए इसीलिए यहाँ पर पूरा लावा का पूल बना दिया। सब खोदते हुए बैठने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम से मैं कर रहा था मैप के ऊपर, ऐसे दोस्त के ऊपर से जाना पड़ेगा एंड बाई मिस्टेक आप लोग यहाँ पर फंस गए। तो आप लोग को नीचे कूदने का अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ से फिर से इसके ऊपर नहीं कूद सकते आप लोग क्योंकि दो ब्लॉक का हाइट होता है डोर, तो यहाँ से नीचे ही कूदना पड़ेगा आप लोग को एंड यहाँ से ऐसे सारे डोर्स पे जंप करते हुए आना होगा एंड यहाँ से इसके ऊपर दबा नहीं है क्या, ओके तो मेरा लैग हो रहा था, मैं रीस्टार्ट करके आ गया तो अभी हो रहा है। तो यहाँ पर आने के साथ इसके ऊपर करोगे ना तो आप लोग का लेवल्स कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन यू विन दिस फार कोर एंड यहाँ पर पूरे आप लोग को फायरॉक्स उड़ते हुए दिखेंगे, मैं थोड़ा स्लो डिले लगाया हुआ है बट फिर भी। एंड उसके बाद इसके ऊपर जंप करोगे ना तो आप लोग आ जाओगे एंड पोर्टल पे एंड डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ से गिर जाओगे आप लोग, मैंने तो क्रिएटिव हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर उड़ के रह गया एंड यहाँ पर भी मैं बाद में मैं फिर से इसका जिप फाइल बनाऊंगा एंड आप लोग को डिस्कॉर्ड पे दे दूंगा। तो यहाँ पर पूरे ना मैं कोई यहाँ से क्योंकि ना स्प्रिंट दबाया हुआ है वो मतलब वहाँ पर जो था ना प्रेशर प्लेट उसके ऊपर कोई भी स्प्रिंट दबाते हुए आ रहा तो वो डायरेक्ट बाहर आ सकता है, इसलिए ऐसा कुछ सीन ना हो यहाँ पर पूरे इन्विजिबल ब्लॉक्स लगा दूंगा एंड डायरेक्ट आएगा एंड उसके अंदर गिर जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक बार किया है इसी वजह से, अरे यार सारे टूटते रहते, अच्छा हुआ कि कमांड ब्लॉक नहीं टूटा वरना पूरा चेक पॉइंट सेट करना पड़ता था। तो यहाँ पर आ जाऊंगा एंड उसके बाद आप लोग क्रिएटिव वगैरह कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मैंने वैसे सेट नहीं किया कि क्रिएटिव हो जाए, मेरे से नहीं हुआ तो
ये सारा कमर्स वगैरह सब कुछ करते हो भाई, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसके वजह से। इसके लिए तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर सकते हो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो मैं ट्राई करूँगा कि और भी मैप्स में बनाने का ट्राई करूँगा एंड मैं बनाऊँ क्या और मैप्स वगैरह, तो आप लोग बताना। ये पूरा का पूरा मैंने ही बनाया है मैप को, मैं पूरे 8 घंटे लगे थे मेरे को ये मैप बनाने में, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हुआ होगा, बट 8 घंटे तो लगे हैं मेरे को। तो कोई इससे जल्दी भी बना सकता है, कोई इससे लेट बना सकता है, बट मेरे को तो 8 घंटे लगे। तो मैप कैसा लगा आप लोग बताओ, मैं ट्राई करूँगा कि इससे इसका लाइव पे भी मैं खेलने का। तो भाई ये गलत लगा है, चलो कोई बात नहीं, तो इसको बाद में क्लियर करूँगा एंड इसका फिर से एक बार मैप का मतलब जिप फाइल बनाऊँगा। तो मैप कैसे है बताओ, एंड वेरी डिफिकल्ट मैप आप लोग को पता ही चल चुका होगा क्योंकि डिफ़िकल्ट मैंने लिखा हुआ है। तो इसी तरह आज का इस वाला वीडियो को एंड करते। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। ये देख सकते हो यूज़र नेम, यूज़र टैग जो भी बोलो, या इंस्टाग्राम का यूज़र नेम या यूज़र टैग यही है मेरा एंड मेड बाय आरके गेमर्स। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।